Hello students, in this video we'll understand chapter 5 Indigo of class 12. So first of all, why this name Indigo of this chapter? क्योंकि हमारा जो पूरा chapter है वो Indigo के ऊपर है कि जो बिहार के कृषक होते थे, बिहार के जो farmers होते थे वो Indigo की खेती करते थे और वो ही हमारा जो chapter है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है. तो ये हम इस चैप्टर में जानेंगे कि चैप्टर का नाम इंडिगो क्यों पड़ा, बिहार के लोगों ने अगर इंडिगो की खेती करी तो फिर क्या समस्या आई, उन समस्याओं का क्या समाधान निकला, किसने बिहार के जो मजदूर गरीबी से ग्रस्त थे, जमींदारों के चुंगल में फंसे हुए थे, किस मसीहे ने उन लोगों को इससे बाहर निकाला और क्या वो इस जंजाल से बाहर निकल पाए, तो ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे. चैप्टर समझने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जानते हैं. इस चैप्टर के ऑथर हैं लुइस फिशर. लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ है और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया है, मतलब ब्रिटिश आर्मी में भी इन्होंने अपने सेवाएं प्रदान की थी. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट और जब इन्होंने अपनी शुरुआत की अपने करियर की तो बिगिनिंग में इन्होंने जर्नलिस्ट का कार्य किया न्यूयॉर्क टाइम्स में. उसके बाद इन्होंने पब्लिकेशंस में भी काम किया, यूरोपियन एशियन पब्लिकेशंस में भी इन्होंने काम किया है और ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर्स भी रहे हैं, राइट, फैकल्टी मेंबर्स. मतलब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर रहे होंगे, फैकल्टी मेंबर रहे थे. ये जो हम चैप्टर आज पढ़ेंगे इंडिगो, ये एक बहुत मशहूर किताब से लिया गया है और उस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. सो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज़ अ वेरी फेमस बुक विच डिस्क्राइब्स मेनी इवेंट्स, मेनी इंसिडेंट्स रिलेटेड टू गांधी जी. सो फ्रॉम दैट बुक दिस स्मॉल पार्ट हैज़ बीन टेकन एंड विच टूडे इन दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड. और ये जो हमारी बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये अपने समय की बेस्ट सेलर है और ये बुक बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है और इसमें गांधी जी ने बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी जी बाई टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट, गांधी जी के बारे में जितनी भी बुक्स लिखी गई है उसमें से ये एक बहुत अच्छी बुक है और उसी बुक से हमने ये जो हमारा चैप्टर है इंडिगो ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया है. नाउ हम लाइन टू लाइन समझते हैं इस चैप्टर को. When I first visited Gandhi ji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. अब हमें बता रहे हैं ये जो author है, ये जो हमें कहानियाँ बता रहे हैं, author हमें बता रहा है कि बात की शुरुआत कैसे हुई. तो गांधी जी से जब मैं मिला तो वो समय था 1917 का. 1917 में मैं गांधी जी से मिला और वहीं से ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ेंगे वो भूमिका तैयार हो गई. 1917 से ही वो भूमिका तैयार हो गई कि ब्रिटिशर्स को भारत भूमि को छोड़ना पड़ेगा और ये बात है 1917 की जब मैं गांधी जी से मिला. अब हम जानते हैं कि ये मैं कौन है. ही हैड गॉन टू द डिसम्बर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. और ये बात उस समय की है जब गांधी जी 1916 में दिसंबर में कांग्रेस पार्टी का कोई सम्मेलन होगा उसको अटेंड करने लखनऊ गए थे, तब वहाँ पर मेरा उनसे मुलाकात हुई. देर वे 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. और वहाँ लखनऊ में उस समय जब ये मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, 2301 डेलीगेट्स होता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, वीआईपी लोग जो होते हैं उनको हम डेलीगेट्स कहते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड. गांधी जी ने बोला जब मैं ये सम्मेलन कर रहा था 1916 में लखनऊ में, तो एक किसान मेरे सामने आया. वो किसान भारत के अन्य किसानों के जैसे गरीब था, गरीब प्रतीत नजर आ रहा था, दुखी नजर आ रहा था. और एक वर्ड है बच्चों यहाँ पे इमेसिएटेड, आप अंडरलाइन कीजिए इसको. इमेसिएटेड होता है जिसका अत्याचार हुआ हो, जो शोषित हुआ हो, जिसका शोषण हुआ हो. तो इमेसिएटेड मतलब होता है शोषित. उसका शोषण भी हुआ था, वो जैसे हमारे भारत के अन्य किसान हैं उनकी तरह गरीब नजर आ रहा था और उनकी तरह ही शोषित वो नजर आ रहा था. आई एम राम कुमार शुक्ला. और उस किसान ने मुझे बताया कि उसका नाम क्या है, राम कुमार शुक्ला.
आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और फिर उसने गांधी जी को कहा कि मेरा नाम राम कुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चंपारण चलो। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना, गांधी जी ने नहीं सुना कि चंपारण भारत में कहाँ है। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और जो चंपारण है ये नेपाल के आसपास है, ठीक है ना, नेपाल के आसपास चंपारण है। सो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। और अगर हम बात करें पहले समय की, इतिहास की बात करें, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे साम्राज्य था उस समय की बात करें, तो उस समय जो चंपारण के किसान थे उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ कि उस समय ब्रिटिशर्स को बिहार के कृषकों से, किसानों से नील की खेती करवानी थी। इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम इंडिगो है, क्योंकि नील की खेती बिहार के किसानों को जबरदस्ती करवाई गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उस समय नील चाहिए था, तो नील की खेती करवाई गई बिहार के किसानों से जबरदस्ती। उसके वजह से बिहार के जो किसान थे वो शोषित थे, वो दुखी थे, वो गरीब थे और वो जमींदार के चुंगलों में भी फंसते गए। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दैम, ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। और उन्हीं किसानों में से एक किसान रामकुमार शुक्ला भी था जो अनपढ़ तो था लेकिन बहुत ज़्यादा रेसोल्यूट था। रेसोल्यूट का मतलब दृढ़ संकल्पी, जो जिसका संकल्प बहुत मजबूत होता है। तो राजकुमार शुक्ला अनपढ़ थे लेकिन उनका संकल्प बहुत ज़्यादा लोहे के समान मजबूत था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." और ये जो राजकुमार शुक्ला हैं, ये वहाँ पे इसलिए आए थे लखनऊ में जब गांधी जी का सम्मेलन चल रहा था, किसी ने राजकुमार शुक्ला को कहा कि तुम्हें गांधी जी से मिलना चाहिए, तुम्हारे बिहार के किसान जिस समस्या में फंसे हैं इस समस्या से तुम्हें एक भगवान ही निकाल सकते हैं और उस भगवान का नाम है गांधी जी, महात्मा गांधी। इसीलिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिलने गए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि कानपुर में भी उनका सम्मेलन है और उनको भारत के कई हिस्सों में जाना है। शुक्ला ने गांधी जी का साथ दिया जहाँ जहाँ गांधी जी गए, जहाँ जहाँ गांधी जी गए राजकुमार शुक्ला उनके साथ गए, जब तक कि गांधी जी ने उनको ये वादा नहीं किया कि वो चंपारण आएंगे तब तक राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि राजकुमार शुक्ला बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी किसान थे जिन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा जब तक कि गांधी जी ने उनको वादा नहीं किया चंपारण आने का। देन गांधी जी अपने आश्रम में आए तो रामकुमार शुक्ला जी भी उनके साथ आए और उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की, बेल्ट का मतलब प्रार्थना की कि प्लीज़ कोई डेट फिक्स करो चंपारण आने की, हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं और हमारी मुसीबत का निवारण करो, हमारी समस्या का निवारण करो। गांधी जी इतना ज़्यादा प्रभावित हुए राजकुमार शुक्ला की टेनेसिटी देखकर, टेनेसिटी होता है यही डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प को देखकर, टेनेसिटी को देखकर, डिटर्मिनेशन को देखकर गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस तारीख को कलकत्ता आऊँगा, तुम मुझे वहाँ मिलो और मुझे वहाँ से चंपारण लेके जाओ। उसके बाद कई महीने बीत गए, शुक्ला एक बैठा हुआ था कलकत्ता में, गांधी जी का इंतज़ार कर रहा था उसी तारीख को जिस दिन गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा होगा कि मैं आऊँगा। हॉन्चेस होता है जमीन में बैठना, ठीक है। और उसके बाद वो उन्होंने बहुत वेट किया, उसके बाद गांधी जी कलकत्ता आए और उन्होंने गांधी जी का वेट किया। और जब गांधी जी अपने कार्य से फ्री हो गए, जब गांधी जी ने अपना काम समाप्त किया, तो राजकुमार शुक्ला उनके पास गए और उन दोनों ने ट्रेन पकड़ी पटना के लिए। राजकुमार शुक्ला ने और गांधी जी ने ट्रेन पकड़ी बिहार पटना के लिए। वहाँ पर शुक्ला उनके आगे आगे गए, लीड होता है गांधी जी पीछे गए, शुक्ला आगे गए, क्योंकि राजकुमार शुक्ला अपने घर वाले एरिया से वाकिफ हैं तो गांधी जी को वो लीड कर रहे हैं, गांधी जी को बता रहे हैं।
उसके बाद शुक्ला कहाँ गया, वहां पर एक लॉयर के पास गया, एक वकील के पास गया जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र प्रसाद टाउन में नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद अपने घर में नहीं थे, वो किसी काम के वजह से घर से बाहर जा रखे थे। तो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे उनको पता था कि जो ये राजकुमार शुक्ला है ये बहुत परेशान करने आता है, ये मेरे मालिक को राजेंद्र प्रसाद को बहुत परेशान करता है और मैं मिलने नहीं दूंगा। तो राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने सोचा कि ये राजकुमार शुक्ला तो खुद किसान है, गरीब है, तो इसके साथ जो व्यक्ति आया है वो भी किसान ही होगा। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने उन दोनों को घर के बाहर जमीन में बैठने दिया, उनको अपने अंदर घर के नहीं बुलाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ये तो मेरे मालिक को बहुत परेशान करता है। उसके बाद वहीं पर बैठे रहे, और उसके बाद वहाँ पे गांधी जी के बगल में एक कुआं था और उस कुएं से पानी लाने के लिए भी अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे ये प्रथा थी कि जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटी जनजाति के लोग होते हैं, उनको बड़े लोगों के सामान को छूने का हक नहीं है, उनको अपवित्र माना जाता था। ऐसे माना जाता था कि वो किसी चीज़ को छुएंगे तो पूरी ज़मीन, वो पूरी चीज़ अपवित्र हो जाएगी। फिर गांधी जी ने सोचा कि मुझे मुजफ्फरनगर जाना चाहिए और वहाँ विच वॉज इन रूट टू चंपारण, और चंपारण जाने के रास्ते में, मतलब चंपारण जाने से पहले जो रास्ता है उस रास्ते में मुजफ्फरनगर पड़ता था। तो गांधी जी ने सोचा मुझे पहले मुजफ्फरनगर जाना चाहिए और राजकुमार शुक्ला जो हैं इनके जैसे जो किसान हैं इनके बारे में जानने के लिए, इनकी मुसीबतों को जानने के लिए मुझे पहले मुजफ्फरनगर जाना चाहिए। देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरनगर, और गांधी जी ने एक प्रोफेसर को लेटर लिख के भेजा, J.B. कृपलानी, जो कि मुजफ्फरनगर में आर्ट्स कॉलेज के थे, और वहाँ, और इनको वो कहाँ मिले थे, गांधी जी इनको मिले थे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन स्कूल का रचना किया था वहाँ पे मिले थे गांधी जी इनसे। और अब रात का समय है, 15 अप्रैल 1917 की बात है, रात का समय है, कृपलानी वेट कर रहे हैं गांधी जी का रेलवे स्टेशन में, और उसके बाद उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं, गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। गांधी जी टीचर के घर में रहे, गांधी जी जब वहाँ पे गए तो वो एक प्रोफेसर के घर में रहे, मलकानी, कोई प्रोफेसर है मलकानी, उनके घर में रहे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर है, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, और वो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर है। उन दिनों ये बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि जो इंसान वकील होता था उनको अपने घर में रखना मतलब मुसीबत को न्योता देना, मुसीबत को गले लगाना। वैसे भी कहा जाता है कि पुलिस से और वकीलों से भगवान ही बचाए, लोग इनसे दूर रहना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि गवर्नमेंट स्कूल के प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर में आश्रय दिया और गांधी जी वहाँ पे ठहरे, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो एडवोकेट से, वकीलों से दूर भागते थे, उनके ऊपर यकीन नहीं करते थे। The news of Gandhi's advent and of the nature his mission spread quickly through Muzaffarnagar and to Champaran. जैसे ही ये खबर फैली चंपारण में और मुजफ्फरनगर में कि गांधी जी नाम के व्यक्ति आए हैं, वो एक महात्मा हैं और वो चंपारण के मजदूरों को उनकी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं, उनकी पीड़ाओं का निदान करने के लिए आए हैं, तो ये खबर आग के जैसे चंपारण और मुजफ्फरनगर में फैल गई कि गांधी जी आए हैं चंपारण के किसानों की मदद करने, इनका मसीहा बन के। सो उसके बाद शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। अब यहाँ पे चैंपियन कौन है आप अंडरलाइन करना, गांधी जी के लिए वर्ड यूज किया। तो
जैसे ही किसानों को पता चला, लोगों को पता चला, तो भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग पैदल चल के आने लगे महात्मा गांधी को देखने के लिए, कुछ लोग अपने ही कन्विंस में आने लगे, जिसके पास गाड़ी रही होगी गाड़ी में आया होगा, जिसके पास साइकिल है साइकिल के में आया होगा, जिसके पास स्कूटर था स्कूटर में आया होगा, तो अपने मसीहा को देखने लोग भीड़ इकट्ठा करके आने लगे। उसके बाद क्या हुआ, मुजफ्फरनगर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरनगर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उसको ब्रीफ किया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजन ग्रुप इन कोर्ट, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उसके बाद लॉयर्स ने, मुजफ्फरनगर के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने गांधी जी को बताया कि यहाँ पर के जो किसान हैं इनकी समस्याएं क्या है, इनके किस प्रकार के केस अदालत में हैं, किस प्रकार के केस अदालत में हैं, किस प्रकार की समस्याएं इन लोगों को है, और कितनी ज़्यादा फीस इन किसानों से ली जाती है। तो ये सब महात्मा गांधी को बताया मुजफ्फरनगर के वकीलों ने। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। चाइड का मतलब होता है डांटना, अंडरलाइन कीजिए, चाइड का मतलब होता है डांटना। गांधी जी ने उन लोगों को डांटा, चाय का मतलब डाटा, क्यों डाटा उन लोगों को कि तुम अपने ही लोगों से इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हो, इतने गरीब मजदूर हैं तो इनसे इतनी फीस क्यों लेते हो। फिर गांधी जी ने उन लोगों से कहा कि अब मैंने निर्णय लिया है कि हम किसानों को कोर्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि किसान बहुत गरीब हैं, दुख से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो वहाँ पे कोई इनकी मदद नहीं करता, बस इनसे बड़ी बड़ी फीस लेता है। तो मैंने निर्णय लिया है कि हम किसानों को कोर्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो किसान है इनके अंदर इतना डर है कि इनको कोर्ट भेजना से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इनके अंदर इतना डर है कि सच्चाई भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो किसान हैं इनके अंदर से मुझे डर निकालना है। गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि चंपारण के किसानों के अंदर जो डर है, मुझे पहले उस डर से डर को निकालना है। आपने सुना भी तो है डर के आगे जीत है, तो अगर हमारा डर ही होगा तो हम तो हारेंगे। अगर हम अपने डर पर जीत हासिल करेंगे तो ही हम समाज में भी जीत हमें नसीब होगी। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. And the chief commercial crop was indigo. Arable का मतलब होता है कृषि करने योग्य भूमि। Arable का मतलब the land which is fit for cultivation. तो अब जो जमीन ठीक थी चंपारण में उसको दो भागों में divide कर दिया, और उसके बाद जो अच्छी जमीन थी उस पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका राज्य था, और वहाँ पे जो इंडियन टेनेंट्स थे, जो इंडिया के फार्मर्स थे, वो वहाँ पे मजदूरी करते थे। तो मालिकाना हक तो ब्रिटिशर्स का था, उस खेत के ऊपर जो कृषि योग्य थी, जो उपजाऊ थी, और वहाँ पे मजदूर का काम करते थे भारत या चंपारण के किसान, और उनके ऊपर एक दबाव था। दबाव क्या था कि उनको ब्रिटिशर्स के हिसाब से खेती करनी थी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे चंपारण की जमीन में इंडिगो की खेती करना। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था चंपारण के उस जमीन में जो उपजाऊ थी, और उस जमीन में भारत के किसान, चंपारण के किसान खेतीबाड़ी करते थे मजदूर के रूप में, और वहां पे ब्रिटिशर्स ने उन्हें कहा कि तुम्हें इंडिगो की ही खेती करनी है। और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने, लैंडलॉर्ड्स ने भी, मतलब चंपारण के और जगह जहाँ पर लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने भी किसानों को कहा कि तुम लोगों को इंडिगो की ही खेती करनी पड़ेगी, और तुमको 15% जो तुम्हारा एरिया है उसमें इंडिगो लगाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी खेत का 15% एरिया में इंडिगो लगाना पड़ेगा, और जब खेती हो जाएगी सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और उसके बाद तुम हमें रेंट में क्या दोगे, नील की जो तुमने खेती की हो पूरी नील हमें दे दोगे। ये ब्रिटिशर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने उनके आगे एग्रीमेंट रखा। इसीलिए चंपारण के जो किसान थे वो दुखी थे, अपने अकॉर्डिंग फसल भी नहीं उगा सकते थे। दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये हुआ ये ब्रिटिशर्स के बीच में, लैंडलॉर्ड्स के बीच में, किसानों के बीच में एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले से ही हो गया था।
कि इस प्रकार तुम्हें खेती करनी पड़ेगी, इतने हिस्से में नील की खेती उगानी पड़ेगी, और जब खेती खत्म हो जाएगी तो पूरी इंडिगो की फसल हमें ही देनी पड़ेगी। अब लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो होने लगा है, इसीलिए उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से कहा कि टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उन्होंने किसानों को कहा कि अब तुमने जो 15% जो तुम्हारा 15% हमारे पास है, जो 15% हमने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुमने 15% जमीन में नील की खेती उगानी है और वो पूरा इंडिगो हमें देना है, अगर तुम चाहते हो इस प्रकार की एग्रीमेंट से हम तुम्हें आज़ादी दें तो तुम्हें हमें और पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें माफ़ करेंगे। क्योंकि जमींदार बहुत चालाक थे, उनको पता चल गया कि जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो होने लगा है तो अब इंडिगो की डिमांड कम हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने किसानों को बुद्धू बनाना स्टार्ट कर दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये 15% एरिया 15% में नहीं करना है नील की खेती, तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, हम जो पैसा चाहते तुम हमें वो दो। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम टू द पीजेंट्स एंड मैनली साइन विलिंगली। और उसके बाद क्या हुआ, इंडिगो की खेती करने से बहुत सारे जो किसान थे वो परेशान थे, वो खुशी खुशी उन्होंने साइन कर दिया कि लैंडलॉर्ड जितना भी पैसा कहेंगे, जमींदार जितना भी पैसा कहेंगे हम दे देंगे, लेकिन अब हमसे नील की खेती नहीं होगी, हमें परेशान हो गए हम नील की खेती से, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी साइन कर दिया। और जिन्होंने इसका रेजिस्ट किया, जिन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, तो उनके लिए लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, गुंडे बुला लिए, गुंडों को बुलवा के उनको मारा पीटा और जबरदस्ती साइन करवाए गए। लेकिन बाद में जब अज्ञान किसानों को, अनपढ़ किसानों को पता चला कि इन लोगों की इनकी चाल इसके पीछे क्या थी कि जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो हो गया, तो ये लैंडलॉर्ड तो बहुत चालाक है, ये जमींदार तो बहुत चालाक है, इन्होंने तो धोखेबाज से हमसे साइन करवाया है, तो अनपढ़ किसानों ने जिन्होंने साइन खुशी खुशी किया था वो भी कहने लगे कि अब हम जो हमने साइन किया हम इसको नहीं मानते और हम खेती भी नहीं करेंगे और हम कोई पैसा भी नहीं देंगे। अब उसके बाद एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और जब ये समय चल रहा था, ये सिचुएशन हो गई, ये परेशानी की सिचुएशन हो गई कि जमींदार कह रहा है कि 15% जो तुमने इंडिगो की खेती करनी थी अगर तुम नहीं करना चाहते तो मुझे कंपनसेशन दो, अभी दुविधा में फंस गए लोग, किसान देना नहीं चाहते उनको कंपनसेशन, तो इस प्रकार जो हालात है वो गंभीर हो गए, किसान और ज़्यादा पीड़ित हो गए, परेशान हो गए, और ये जो सिचुएशन है दुख भरी, शोषण से भरी हुई, इस समय गांधी जी का चंपारण में आना हुआ। उनके बाद गांधी जी धीरे धीरे सबूतों को इकट्ठा करने लगे। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की और उन्होंने सेक्रेटरी को बोला कि तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तुम मुझे बताओ कि क्या समस्या है, क्या हो रहा है चंपारण में, क्या है ये 15% इंडिगो, क्यों किसानों से सिग्नेचर लिया गया, क्यों यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इनसे कंपनसेशन मांग रहे हैं, मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन दो, मुझे इस बात की सूचना दो। गांधी जी ने ये बोला ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से, लेकिन गांधी जी को क्या जवाब मिला कि हम आउटसाइडर्स को कोई जवाब नहीं देते, हम आउटसाइडर्स को कुछ नहीं बताते, तो गांधी जी ने कहा मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं भारत का ही वासी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं चंपारण के किसानों का ही भाई हूँ, मैं इनके तरफ से आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। उसके बाद गांधी जी गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जो कि ट्रहट डिवीज़न में था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे गांधी जी गए और उन्होंने कमिश्नर से बोला कि आप मुझे बताओ क्या है, लेकिन कमिश्नर ने भी उनको उनके बहुत गंदी तरीके से उनके साथ पेश आए, जो यहाँ पे गांधी जी ने कहा प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर विथ टू लीव चिरहट। और इसके बाद गांधी जी ने कहा कि कमिश्नर ने भी मुझे बहुत गलत तरीके से मेरे साथ पेश आए, बहुत जबरन तरीके से फोर्स के साथ मेरे साथ पेश आए और मुझे कहा कि मुझे चंपारण छोड़ देना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया,
गांधी जी आगे चले मोतिहारी। अब गांधी जी ने सोचा कि अब मैं मोतिहारी जाऊंगा, और मोतिहारी चंपारण की राजधानी थी। वहां पे काफी सारे लॉयर्स ने गांधी जी का साथ दिया। वास मतलब बहुत बड़ी, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, बहुत बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई गांधी जी से मिलने के लिए। और वहां पे गांधी जी गए, उनके घरों में गए और उनके घरों को हेडक्वार्टर की तरह यूज किया। और गांधी जी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि कितने किसान हैं जिनसे बुद्धू बना के सिग्नेचर ले लिया गया, कितने किसान हैं जिनका 15% जमीन में जिनको नील की खेती करनी है। इस प्रकार वो सच को इकट्ठा करने लगे, सबूत जुटाने लगे। फिर गांधी अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मार्टर्ड इन अ नियर बाय विलेज। फिर गांधी जी को पता चला कि आसपास एक गांव में एक किसान है, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हुआ है। अगले दिन जब गांधी जी वहां गए तो वो हाथी के पीठ के ऊपर बैठ के गए। तो जैसे ही गांधी जी वहां जा रहे थे, पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आया और उन्होंने गांधी जी को बताया कि आपको उस गाँव में जाने की परमिशन नहीं है, आप उस गाँव में जाके नहीं पता लगा सकते कि उस फार्मर के साथ क्या हुआ है। तो उसके ऊपर से गांधी जी, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और उसके बाद गांधी जी को एक घर में पहुंचाया गया जहां पर वो रह रहे होंगे। और फिर वहां पे गांधी जी को जाने के बाद पता चला कि उनको एक नोटिस मिला है, सरकार ने उनको एक नोटिस भेजा है कि उनको तुरंत चंपारण छोड़ना पड़ेगा, उन्हें तुरंत यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि गांधी जी अब उन्हें नाकों, गांधी जी अब उन्हें जमीन पर लाके रख देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए उन लोगों को पता चल गया कि गांधी जी उनके लिए खतरा है, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये कहलवाया कि गांधी जी को चंपारण उसी समय छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने ऑफिशियल नोट निकाला। गांधी जी ने साइन किया नोटिस पे और उन्होंने लिखा कि मैं आपके इस ऑर्डर को डिसोबे करता हूँ। गांधी जी का कितना बड़ा हिम्मत था, कितना बड़ा कलेजा था, उन्होंने कहा सरकार को कि आपके इस ऑर्डर की मैं अवहेलना करता हूँ, मैं आपके इस ऑर्डर को डिसोबे करता हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं क्या है। और इसके कॉन्सिक्वेंस, गांधी रिसीव द समन टू अपेयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसका नतीजा क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस होता नतीजा, नतीजा क्या निकला, गांधी जी को अगले दिन सरकार ने बुलाया, कोर्ट में बुला दिया गया, उनकी पेशी हो गई। देखो वहां पे क्या होता है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवे, पूरी रात भर गांधी जी सोए नहीं। उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को जो कि बिहार में थे, और कहा कि तुम काफी सारे लोगों को अपने साथ लेके आओ, इन्फ्लुएंशियल मतलब ऐसे लोगों को लेके आओ जिनकी बातों का असर होता है, जो बहुत प्रभावी वक्ता होते हैं। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस उसने आश्रम में भी भेजे, गांधी जी ने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी वायसराय को। वायर्ड का मतलब होता है रोट, WROTE, रोट, वायर्ड। अब अगली सुबह हो गई, मोतिहारी जो जगह है वो किसानों से खच भर गई। मोतिहारी जो कि चंपारण की कैपिटल है, अगली सुबह तो वो किसानों से खचाखच भर गई। क्यों? किसानों को पता चला कि जो उनका मसीहा है, जो महात्मा गांधी है, उसको पुलिस परेशान कर रही है, उसको ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे हैं। ये सुन के चंपारण के जो मजदूर हैं वो घरों से निकल आए, भीड़ भीड़ की भीड़ आ गई गांधी जी का साथ देने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, और एकदम से वो लोग हजारों में भीड़ इकट्ठा हुई है, और द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। और वहीं से शुरुआत हुई है किसानों के अंदर जो डर व्याप्त था, वो डर उसी दिन खत्म हो गया। उसी दिन महात्मा गांधी को एहसास हो गया कि अब इन किसानों के अंदर डर नहीं है, मैंने जो संकल्प लिया था कि इन किसानों के अंदर से मुझे डर को भगाना है, वो डर आज समाप्त हो चुका है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतने सारे किसान, इतनी बड़ी भीड़ मेरा साथ देने आई है, तो अब इनको ब्रिटिशर्स का डर नहीं है, अब ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो गांधी जी को ये देखकर बहुत खुशी हुई।
द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब जो ऑफिसर्स है, ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो परेशान हो गए, इतनी बड़ी भीड़ को देख के वो हैरान हो गए, कैसे संभाले हम इस भीड़ को। फिर गांधी जी ने उनका साथ दिया, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथेरटो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। बहुत बड़ी बात यहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे हैं, जब भीड़ इतनी बड़ी तादाद में भीड़ हो गई, हजारों में किसान आ गए, तो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे वो डर गए, चूहे के भांति उन्हें डर लगने लगा, उन्हें लगा कि ये लोग तो मुझे हमें मार देंगे, जला देंगे, हम क्या करें। गांधी जी की फिर उन्होंने मदद ली, फिर गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बताया, ये जो किसान तुम्हारे सामने खड़े हैं, अब ये डरपोक नहीं है, ये जो किसान तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनके अंदर बहुत पावर है, इनके अंदर बहुत हिम्मत है, तो अब जब ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा कि ये भीड़ तो हमारे कंट्रोल के बाहर है, अब यहाँ के जो किसान हैं इनमें तो हिम्मत आ गई, साहस आ गई, अब तो डराने से भी लोग नहीं डरेंगे, तो उनमें डर हो गया, कंपन हो गई। सो गवर्नमेंट था वो बैफल्ड हो गया, बैफल्ड का मतलब कंफ्यूज, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, तो उन्होंने जज से कहा कि महात्मा गांधी का जो ये केस है इसको थोड़े टाइम के लिए हम स्थगित कर देते हैं, और वो बड़े बड़े ऑफिसर से मिलने लगे। फिर गांधी जी का जो प्रोटेस्ट था उसमें उन्होंने डिले किया, थोड़ा देर की, और फिर ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ऑन वन हैंड नॉट टू सी सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं कि गांधी जी दुविधा में फंस गए, क्योंकि वो लॉयर थे तो वो सरकार के सामने, लोगों के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं रखना चाहते थे कि वो कानून के तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, दूसरा वो मानवता का भी साथ देना चाहते थे, क्योंकि भारत जो चंपारण के कृषक थे वो उनके भाई बहन हैं, तो वो उनका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते थे। चंपारण के कृषक चाहते थे कि गांधी उनकी मदद करें, तो गांधी जी दुविधा में फंस गए, एक तरफ वो सरकार का फैसला ठुकराना नहीं चाहते थे, सरकार के फैसले को तोड़ना नहीं चाहते थे, और दूसरी तरफ वो मानवता का भी साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, वो चंपारण के किसानों की मदद करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सरकार से कहा कि मैं चंपारण के किसानों को मझधार में नहीं छोड़ूंगा, इनको मैं इनके शोषण से बाहर निकालूंगा, मैं इनका साथ दूंगा, लेकिन क्योंकि अब मुझे आपकी जो आपने मुझे ऑर्डर दिया है इसका मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो आप मुझे पेनल्टी बताओ, आप मुझे बताओ कि मुझे कितना पैसा देना है, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा यहाँ पे गांधी जी के बारे में कि उन्होंने सरकार का भी साथ दिया और उन्होंने चंपारण के मजदूरों किसानों का भी साथ दिया, ये बात आपको भूलनी नहीं है। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर 120 मिनट्स, गांधी रिफ्यूज, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। अब मैजिस्ट्रेट ने बोला कि थोड़े समय तक वो अनाउंस नहीं करेंगे रिजल्ट, और फिर मजिस्ट्रेट ने बोला कि तुम बेल ले लो, जमानत ले लो, और उसके लिए तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी ने बोला कि मुझे बेल नहीं चाहिए और मैं कोई पैसा भी नहीं दूंगा, तो मजबूरन ब्रिटिशर्स को उनको बिना बेल के ही आज़ाद करना पड़ा। तो कितना पावर हो गया था गांधी जी का, पूरे किसान गांधी जी के साथ थे। वेन द कोर्ट reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अगले दिन जब केस की सुनवाई हुई तो जज ने कहा कि बहुत दिनों तक हम इस फैसला नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि फैसला अगेंस्ट होगा, और अगर गांधी के साथ कुछ बुरा किया तो चंपारण के पूरे किसान तोड़फोड़ कर देंगे, ब्रिटिशर्स को मार देंगे, और ब्रिटिशर्स वहाँ पर हार जाएंगे। तो उस दौरान गांधी जी स्वतंत्र रहे। अब आगे देखिए क्या हुआ। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना नजरुल हक और इसी प्रकार जो काफ़ी सारे लॉयर्स थे वो बिहार से आए, उन्होंने गांधी जी के साथ रहे और उनका साथ दिया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी ने बोला मान लो मुझे जेल हो जाए, मान लो ब्रिटिशर्स मुझे जेल में भर्ती बंद कर दें, तो तुम लोग क्या करोगे। तो फिर ये सभी जाने माने लोग
ये सभी वकील कहने लगे हम क्या करेंगे, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। जब तुम ही जेल में चले जाओगे गांधी जी, जो तुम बिहार के किसानों की मदद करने आए हो, जब तुम ही जेल में चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। तो इस पर गांधी जी ने कहा फिर इन किसानों का क्या होगा, ये किसान तो मर जाएंगे, इनका साथ कौन देगा। तो ये सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद इन सभी लोगों के साथ किनारे गए और फिर उनसे बोला कि ये गांधी जी बाहर से आए हैं और फिर भी पटना के किसानों को आज़ादी दिलाने के लिए, शोषण से मुक्त करवाने के लिए, ये जेल में जाने के लिए स्वेच्छा से ये जेल में जाना चाहते हैं। तो हम तो इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम तो बिहार के ही हैं और हम तो ये तो हमारे भाई बहन हैं, हम भी इसे कैसे हट सकते हैं। तो फिर राजेंद्र प्रसाद ने और सभी और वकीलों ने कहा कि अगर आप जेल में जाओगे तो हम भी जेल में जाएंगे, हम जेल भर देंगे लेकिन हम बिहार के किसानों को उनका हक दिलाएंगे, हम इस लड़ाई को बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा। सो उसके बाद गांधी जी वॉज टोटली गांधी जी बहुत ज्यादा खुश हुए। सो उसके बाद गांधी जी ने कहा फिर तो हम चंपारण जीत चुके हैं। गांधी जी ने जब ये सुना, ये देखा कि अब इनके अंदर भी हौसला आ गया, अब इन्हें पता चल गया कि हम अपने चंपारण के किसानों को मझधार में नहीं छोड़ सकते, हमें इनकी मदद करनी है। तो गांधी जी ने कहा समझ लो हम चंपारण युद्ध जीत गए, बस अब हमें एक रणनीति बनानी है और उस हिसाब से हमें आगे चलना है। तो फिर गांधी जी ने कहा, उन्होंने एक पेपर लिया और पेपर में ग्रुप को डिवाइड कर दिया और बता दिया कि किस दिन कौन सा ग्रुप अपने आप को अरेस्ट करेगा, देखते हैं ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, देखते हैं ये कितनों को जेल में भरते हैं। लेकिन जब तक चंपारण के किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी भी हम जेल भर दें। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी दिन बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिला, एक लेटर मिला, उसमें वो जो लेटर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, और उस लेटर में लिखा था कि जो ये गांधी जी का केस है अब इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कितनी बड़ी बात की है, आपने हिस्ट्री में सुना होगा सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कि उस दिन जीत हुई जिस दिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि महात्मा गांधी के केस को हम ड्रॉप कर रहे हैं, हम महात्मा गांधी के केस को लड़ेंगे ही नहीं, हम ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी को कुछ भी नहीं कहते, हम इन्हें कोर्ट का कोई आदेश नहीं देंगे। उस दिन भारत में पहली बार भारतीयों की जीत हुई, ब्रिटिशर्स की हार हुई, सिविल डिसोबीडियंस जो था उसकी पहली जीत हुई और चंपारण के किसानों के अंदर हिम्मत पैदा हुई, जज्बा पैदा हुआ, जीत पैदा हुई, उनके अंदर से डर समाप्त हो गया। तो इसीलिए ये जो चंपारण एपिसोड है ये गांधी जी की जिंदगी में भी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसी दिन से भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता के लिए आग की चिंगारियां जली, उनके अंदर डर ने जो जगह ले रही थी अब वो जगह जीत की हो गई, अब वो जगह हिम्मत की हो गई, साहस की हो गई, निडरता की हो गई। उसके बाद देखिए, गांधी जी और लॉयर्स आगे बढ़े और उन्होंने काफ़ी सारे इंक्वायरी बिठाई और फिर उन्होंने फार्मर्स के दुखों के बारे में पता चला, उन्हें पता चला कि 10,000 पीसेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्यूमेंट्स वेर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रॉड विद एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और उसके बाद जहाँ तहाँ चंपारण में एक्टिविटीज़ होने लगी, विद्रोह होने लगे, इन्वेस्टिगेशंस होने लगी, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। जून में गांधी जी को बुलाया गया, सर एडवर्ड गेट ने जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया और जब गांधी जी उनसे मिलने गए, देखते हैं क्या होता है। जब गांधी जी वहाँ पे मिलने गए तो वहाँ पे उनको काफ़ी सारा डिटेल में प्लान बताया गया कि अगर उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया तो गांधी जी के साथ क्या होगा, और अगर उन्होंने चंपारण छोड़ के नहीं गए तो गांधी जी के साथ कितना बुरा हो सकता है। ये गांधी जी को बुलाया गया और ये उनको बताया गया। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर
who as a result appointed an official commission for inquiry into the Indigo sharecroppers. और उसके बाद गांधी जी ने 4 इंटरव्यू किए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और उसके बाद कमेटी बिठाई गई इंक्वायरी के लिए, ये देखने के लिए कि हकीकत क्या है, ये देखने के लिए कि किसान कितना शोषित है, ये देखने के लिए कि जमींदार ने कितनी गड़बड़ी की है, ये इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। और उसके बाद हमें पता चलता है द कमीशन कंसिडर लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और जो कमीशन था इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे, और इन सब में से किसानों का मुखिया कौन? गांधी जी। किसानों का मुखिया कौन? गांधी जी। किसानों की अत्याचार को, किसान के दुख को, किसान की पीड़ा को कौन व्यक्त करेगा? गांधी जी। उसके बाद गांधी जी चंपारण रहे काफी समय के लिए, 7 महीनों के लिए गांधी जी चंपारण में रहे और वहां पर इन लोगों की मदद की। उसके बाद धीरे धीरे विजिट देने लगे वो चंपारण का, और फिर उसके बाद वो 1 साल तक बीच बीच में आके चंपारण का उन्होंने विजिट किया, देखा उन फार्मर्स के बारे में देखा। द ऑफिशियल इंक्वायरी एग्जाम्पल अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वे पे, दे आस्क्ड गांधी जी। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि लैंडलॉर्ड्स ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, बहुत ज्यादा धोखेबाजी करी है। तो अब लैंडलॉर्ड्स को लगा वो तो फंस गए, तो लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि ठीक है हम रेडी हैं, हम पीजेंट्स को पे करेंगे, लेकिन हम कितना पे करें? तो गांधी जी ने कहा कि तुम 50% पे करो शेयर क्रॉपर्स को, तुमने जो डिसीटफुली मतलब धोखे से तो तुमने जो पैसा उनसे लिया है उसका 50% वापस करो। उसके बाद गांधी जी के बीच में और शेयर क्रॉपर्स के बीच में डेडलॉक हो गया। डेडलॉक मतलब गांधी जी भी एडामेंट हो गया कि तुम्हें 50% वापस करना पड़ेगा जितना पैसा उनका लिया है उसका, और वहां पे लैंडलॉर्ड से वो भी अटक गए कि हम 50% नहीं दे सकते। फिर बीच में रेवरेंट जे जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, पूरा ध्यान दे रहे थे इन सभी इवेंट्स का, एट क्लोज रेंज मतलब बहुत पास से इन सब मुसीबतों को देखना, लैंडलॉर्ड्स को जानना, किसानों को जानना, ये बीच में वो देख रहे थे। थिंकिंग प्रॉब्ली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू एक्सटेंड 25%। और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कहा कि हम 50% नहीं दे पाएंगे, हम 25% दे पाएंगे। और एंड में गांधी जी को भी ये बात स्वीकार हुई, और ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी कि ठीक है 50% नहीं, तुम 25% दे दो। और इस प्रकार जो डेडलॉक था वो समाप्त हुआ। डेडलॉक क्या होता है बच्चों, अंडरलाइन करो, डेडलॉक का मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। अभी जब कभी भी कर्फ्यू लग जाता है तो डेडलॉक हो जाता है, दुकानें नहीं खुलती, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। तो डेडलॉक का मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी कार्य प्रगतिशील नहीं होता, सब एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। उसके बाद ये जो सेटलमेंट है ये हो गया। गांधी एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिगेटेड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी विद इट। अब गांधी जी ने ये कहा कि वो हमें कितना पार्ट दे रहे हैं ये जरूरी नहीं है, वो हमें 50% देंगे 25% देंगे ये जरूरी नहीं है। जरूरी बड़ी बात ये है कि लैंडलॉर्ड मान गए कि उन्हें गरीबों का पैसा लौटाना है, लैंडलॉर्ड झुक गए। बड़ी बात यह है कि लैंडलॉर्ड हमारे कदमों में झुक गए, हमने उन्हें झुका दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों ने लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को झुका दिया, अपनी बात मनवाने के लिए विवश किया, ये बात बड़ी है। सो उसके बाद देयरफॉर एज फॉर द पीजेंट वेयर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। अब अगर हम बात करते हैं कि प्लांटर्स की, लैंडलॉर्ड्स की, ये तो लॉ से भी ऊपर है। देखो इन्होंने क्या किया। नाउ द पीजेंट सॉ दैट द राइट्स एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज। अब पीजेंट को पता चला राइट्स क्या होते हैं, डिफेंडर्स क्या होता है, अब किसानों को पता चला अधिकार क्या होते हैं, अब किसानों को पता चला अपने हक के लिए लड़ते कैसे हैं। तो अब चंपारण के जो किसान थे वो निडर बन गए, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना उन्होंने शुरू किया। Even justified Gandhi's position, within a few years the British planters abandoned their estates which reverted to peasants, indigo sharecropping disappeared. और उसके बाद लोगों ने देखा, ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पे गांधी जी का बहुत दबदबा है, गांधी जी की बहुत इज्जत है,
तो इसीलिए वहां से ब्रिटिशर्स ने इंडिगो की जो खेती थी वो समाप्त कर दी, इंडिगो की खेती वहां से समाप्त हो गई। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो संतुष्ट नहीं रहे, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहे और आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहे। भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते थे और लोगों की आर्थिक दशा को देख के उसको सुधारने की कोशिश करते थे। उसके बाद वो चंपारण में गए, उन्होंने बैकवर्ड जो लोग उनको देखा और कोशिश करी कि वहाँ के लोगों को शिक्षा देने की, तो इस काम में गांधी जी के पुत्र ने उनका साथ दिया। इस काम में गांधी जी की वाइफ ने उनका साथ दिया और उन्होंने चंपारण में निशुल्क सेवाएं प्रदान करी, स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करी, शिक्षा की सेवाएं प्रदान करी। और गांधी जी ने कस्तूरबा को बोला कि यहाँ की जो लेडीज हैं ये बहुत डर्टी क्लॉथ पहनती हैं, आप इन्हें समझाओ। तो कस्तूरबा गांधी गए और उन्होंने जब लेडीज को बोला कि आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो तब एक स्त्री अपने घर के लेके अंदर लेके गई कस्तूरबा बाई को और दिखाया कि देखो मेरे घर में कुछ कपड़े नहीं है, ये जो साड़ी मैंने पहनी है यही मेरे पास है, तो क्या तो मैं धोऊं और क्या मैं पहनूं, इतनी गरीबी है सब जगह। उसके बाद चंपारण में बहुत समय तक गांधी जी रहे और आश्रम के ऊपर भी निगरानी उनकी रही, रेगुलरली वो इंस्ट्रक्शंस भेजते रहे, आर्थिक दशा को भी सुधारते रहे। और उन्होंने रेजिडेंट्स को कहा कि जो उनकी लैट्रिन्स हैं वो भर चुकी हैं तो उन गड्ढों को बंद कर दो और नए नए गड्ढे भी खोलो। तो इस प्रकार गांधी जी ने निरंतर लोगों को, भारतीयों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, भारतीयों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास किया, भारतीयों को इसलिए प्रोत्साहित किया कि निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करें। तो जो चंपारण एपिसोड है ये गांधी जी के लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट होता है हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा समय जब बहुत बड़ा बदलाव आता है, टर्निंग पॉइंट कहते हैं उसको। ऐसा हो सकता है कोई इंसान गांव में रहता हो और अचानक उसके पापा की जॉब लग गई और वो सिटी में रहेगा, उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक इंसान प्राइवेट जॉब कर रहा है और अचानक उसे गवर्नमेंट जॉब लगी, तो टर्निंग पॉइंट आएगा। तो टर्निंग पॉइंट होता है ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आना, वो टर्निंग पॉइंट होता है। तो चंपारण एपिसोड गांधी जी की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बताया, आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स मुझे ये नहीं बताएंगे कि भारत में मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ नहीं जा सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। भारत मेरा देश है, भारत का मैं पुत्र हूँ, भारत मेरी माँ है, भारत में मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ, ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। ये हमारी महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी। लेकिन चंपारण जो स्टार्ट हुआ वो इस वजह से नहीं हुआ कि गांधी जी पब्लिकली किसी चीज़ को डिसोबे करना चाहते थे, ये रीज़न नहीं था चंपारण एपिसोड का। चंपारण एपिसोड जो स्टार्ट हुआ उसका कारण क्या था कि गांधी जी गरीब किसानों को नहीं देख पाए। गांधी जी ये नहीं देख पाए कि जो मेरे चंपारण के किसान हैं ये बहुत गरीब हैं, ये बहुत दुखी हैं, इनका शोषण हो रहा है। इस बात ने गांधी जी को परेशान किया। तब उन्होंने चंपारण में जाके राजनीतिक फील्ड संभाला, उन्होंने उनकी नेतागिरी संभाली, उन्होंने उनकी मदद की। ये मकसद था, ये मकसद नहीं था कि वो पब्लिकली ब्रिटिशर्स को डिसोबे करना चाहते थे। मकसद था चंपारण के किसानों की मदद करना। और उसकी वजह से पहली बार भारत में चंपारण के किसानों को लगा कि अब वो ब्रिटिशर्स से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, अब वो जीत सकते हैं, अब उनका डर समाप्त हो चुका है, अब उनके दिल में हिम्मत है, साहस है, अपने अधिकार के लिए लड़ने की हिम्मत है उनके अंदर। उसी के बाद हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्शन, ही वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। अभी कहते हैं गांधी जी की जो जिंदगी थी वो
लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से प्रभावित थी। वो राजनीति में अपना मुकाम हासिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो भारत के लोगों की मदद करना चाहते थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते थे, उनके शोषण को कम करना चाहते थे, उनको उनके हक के बारे में बताना चाहते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मॉल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक फ्री इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो तीन लाइन। गांधी जी ने जो कुछ भी किया उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, कि गांधी जी ने चंपारण में ये जो कुछ किया उससे एक नए भारत की निर्माण हुई, एक ऐसे भारतीयों की निर्माण हुआ जिनके अंदर अब हौसला है, जिनके अंदर अब साहस है, जिनके अंदर अब भारत को स्वतंत्र करवाने की चिंगारी जल चुकी है, जो अब अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, जो अब बिना बात के शोषण को नहीं सहेंगे। तो गांधी जी के चंपारण प्रयासों से ये नतीजा निकला, कितना बड़ी बात हुई, एक नया भारत उभर के आया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा केम टू बिड गांधी फेयरवेल। सबसे पहले पैसिफिस्ट वर्ड क्या होता है, पैसिफिस्ट होता है शांति दूत, आप अंडरलाइन कीजिएगा पैसिफिस्ट शांति दूत। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे चार्ल्स फ्रियर, वो शांति दूत थे और वो गांधी जी के फॉलोअर भी थे। तो उसके बाद जब वो यहाँ पे आए उन्हें गांधी जी की बातें बहुत अच्छी लगी और गांधी जी को भी भारतीय लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये जो चार्ल्स फ्रियर है ये तो तुम्हारा फॉलोवर है, ये तो तुम्हारी बात मानता है, तो तुम इसकी मदद ले लो और भारत को आज़ाद करवाने के लिए इसकी मदद ले लो। लेकिन गांधी जी ने कहा भारत को आज़ाद करवाने के लिए हम किसी अंग्रेज की मदद नहीं लेंगे, भारत को आज़ाद करने के लिए हम किसी ब्रिटिशर की मदद नहीं लेंगे, भारत को आज़ाद भारतीय ही करवाएंगे, भारतीयों में इतना दम है, भारतीयों में इतना साहस है, भारतीयों में इतना जज्बा है, हमें अंग्रेजों की मदद नहीं चाहिए, हमें किसी अंग्रेज ब्रिटिशर्स की मदद नहीं चाहिए भारत को आज़ाद करने के क्षेत्र में, युद्ध में हमें किसी अंग्रेज की मदद नहीं करना। उसने कहा हम भारतीयों का दिल कमज़ोर नहीं है और अगर हम किसी अंग्रेज की मदद लेंगे तो हम क्या कहें, कुछ भारतीय हमें ही कहेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम निकम्मे हैं, हम किसी अंग्रेज की मदद नहीं लेंगे, ये भारतीयों की लड़ाई है, ये भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये भारतीय खुद करेंगे, अपने हिम्मत से करेंगे, अपने हौसले से करेंगे, अपने साहस से करेंगे, अपने विचार से करेंगे, अपने प्रयास से करेंगे, अपने बलिदान से करेंगे, लेकिन किसी अंग्रेज ऑफिसर का साथ नहीं लेंगे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने कहा बिल्कुल गांधी जी ने बिल्कुल सच कहा है कि हम अब किसी का भी सहारा नहीं लेंगे। लास्ट लाइन बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स, गांधी जी ने हमें सिखाया सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर। बहुत बड़ी लाइन राजेंद्र प्रसाद जी में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीयों को सिखाया आत्मविश्वास, अपने ऊपर यकीन रखना, सेल्फ रिलायंस अपने ऊपर यकीन करना, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स को। तो ये शेयर क्रॉपर्स का जो एपिसोड था, ये चंपारण का जो एपिसोड था, इसी ने बहुत बड़ी सीख भारतीयों को दी है कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, हम भारतीयों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, भारतीयों को अपने हक की लड़ाई, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई अपने बाहुबल से जीतनी है। तो गांधी जी ने हमें बहुत अच्छा सिखाया कि सेल्फ रिलायंस सबसे बड़ा हथियार है और आज़ादी जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हमें चैन की नींद नहीं लेना। तो राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी बात कही कि गांधी जी ने हमें ये सिखाया और एक नए भारत का निर्माण उसी दिन से शुरू हुआ इस चंपारण एपिसोड से। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में इस चैप्टर को समझा, बहुत अच्छे ढंग से समझा है, और नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगी जब कभी, तो हम इसमें इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।